अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो, मैंने तो वो सब देख लिया है कि कोई नहीं हंस रहा, एकदम लोग ऐसे आपको देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, मैं तो मैंने जुगाड़ लगा लिया। मैंने मेरी इतनी मोटी आर डी शर्मा की बुक थी, कभी मेरे को समझ में नहीं आई मैथ्स की, वो मैंने कहा ठीक है ये ट्राईपॉड बनेगी मेरा, मैं उससे फ़ोन टिका के बना लेते। तो गर्मी में बैठ के मैं बनाती थी एकदम पसीनों में भीग के। ऐसा लोग मान के चलते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है, तो वो नहीं है। ट्विटर पर डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी लिखो उसका एक पॉलिटिकल एंगल निकाल के ले ही आते हैं। बट मुझे उस चीज़ से कभी कोई डर या कुछ वैसा नहीं था, मतलब मुझे पता था ये लोग क्या ही कर लेंगे। उसको लगता था नानू मेरा बच्चा है, तो वो आगे कहती है कि आप नानू को घर छोड़ के आए हो। मैंने कहा हाँ, तो कहती कि तो वो आप उसको मतलब कभी बाहर नहीं निकालते हो, वहीं रहता है घर पे। तो उसको किसी ने बोला कि नानू रियल नहीं है, नानू नकली बच्चा है, फिल्टर से बनता है। कराना है करा लो, नहीं कराना नहीं कराओ। दादी का एकदम फुल वो, अब मुझे वो इतनी ज्यादा प्रो हो गई है कि वो अपनी लाइंस में दिमाग लगाने लगी है। अच्छा। कि मुझसे ये लाइन क्यों बुलवा रही है, ये तो मैं करती भी नहीं हूँ रियल लाइफ में। ओ वुमनिया के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, और आज की हमारी खास मेहमान कौन है? अगर आप जानते हो नज़मा आपी को, आप जानते हो कंगना रनौत को, और अब नानू और तमाम परिवार के किरदार भी उनके साथ जुड़ गए हैं उनके। तो यहाँ पर स्वागत करते हैं हम सलोनी गौड़ का, कॉमेडियन सलोनी गौड़ हमारे साथ आज। ओ वुमनिया के एपिसोड में आज आपसे खास बातचीत करने वाली हैं। तो भाई सलोनी, जनता ये जानना चाहती है कि भाई सलोनी ने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी भी बहुत यंग है सलोनी, बहुत कुछ आगे जाना बाकी है, लेकिन जानना चाहते हैं आज भी कि ए टू जेड शुरुआत होती है, एक कॉमेडियन की शुरुआत होती है, कैसे बनता है एक कॉमेडियन। क्योंकि मतलब मैं एक क्यूरोसिटी से ये जानना चाहती हूँ कि पहले सोच लिया था या फिर बाद में जाके रियलाइजेशन ये हुई। नहीं नहीं सोच तो मैंने बचपन में ही लिया था, बचपन मतलब सेवेंथ एट्थ क्लास में मैंने सोच लिया था कि मुझे कॉमेडियन बनना है। और वो इसलिए सोचा था क्योंकि जब टीचर पूछते थे ना कि आपको क्या बनना है, तो अगर जो बच्चा बोलता था डॉक्टर या इंजीनियर, तो उनसे वो काउंटर क्वेश्चन करते थे कि अच्छा इंजीनियर तो फिर कौन सा कॉलेज सोचा है, कौन सा एग्जाम दोगे। अब ये किसको पता होता है सेवेंथ एट्थ क्लास में। तो मैंने सोचा अगर ये क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं ना, तो आप कोई ऐसा फील्ड बताओ जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। तो जब मैं बोलती थी कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो मेरे टीचर चुप हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं क्या होता है स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैंने सोचा ये सेफ ऑप्शन है सबसे ज्यादा। अगर मान लो किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन पता है, तो बोल दो कि हमें तो फिल्म डायरेक्टर बनना है, उस पर तो एकदम ही साइलेंट। तो एक बार मैंने बोल भी दिया था कि मुझे ऐसा कुछ बनना है, तो वो एकदम घबरा गए, उन्होंने बोला कि आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफी अनकन्वेंशनल चीज। तो तब ऐसे ही मेरे दिमाग में आया था कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, बट मैं उतनी भी प्रैक्टिकल थी, मैंने सोच लिया था कि इसमें पैसे वैसे तो देखो मिलते नहीं है, और तब मिलते भी बहुत कम थे। तो मैंने सोचा था कि करनी तो मुझे कुछ ऐसे जॉब ही पड़ेगी, और मेरी मम्मी बहुत चाहती थी कि मैं ऐसे बैंक में लग जाऊं, क्योंकि उनकी पासबुक वगैरह अपडेट नहीं होती थी टाइम से। तो मैं ये था कि एक बच्चा तो करे एटलीस्ट, मेरा भाई ऑलरेडी इसी में थे, तो मेरी मम्मी तो ऑलरेडी बहुत घबरा गई थी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ नहीं है, कब कितना पैसा आ रहा है किसी को कुछ नहीं पता, किसी महीने हो सकता है आप कुछ ना कमाओ। तो नहीं था कम से कम एक की तो सैलरी बंद जाए। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी यही करना है, तो उन्होंने बोला कि भाई जैसा ही करेगी कुछ तो अलग कर ले। तो वो एक सीन भी था, बट वही है कि मैं खाली बहुत थी कॉलेज में, आप पढ़ पढ़ के भी कितना पढ़ोगे, तो मैं सारा खत्म कर लेती थी। मैंने तो मतलब ये जो फितूर चढ़ा सर पे, ये खाली पने में आपने कहा कॉलेज में, हाँ, खालीपन में, खालीपन का ही नतीजा था कि कॉलेज की पढ़ाई ऐसा खालीपन हाँ। सबको मिले हाँ, मतलब वो मिलता तो सबको है, देखो कौन उसको यूटिलाइज कर ले उस चीज की बात होती है। मेरे पास टाइम था और मैंने उसको सही जगह लगा लिया। मुझे मतलब मैं वो जोक्स ऐसे चलते फिरते मारती रहती थी, मैंने सोचा क्यों ना उन्हें वीडियो में ही बना दिया जाए। मैं देखती थी उस टाइम पे तो काफी कम लोग ये सब कर रहे थे, तो मेरे भैया भी कर रहे थे, तो मैंने कहा ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसे इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है। तो मैंने शुरू किया, और मेरा तो प्राइवेट अकाउंट ही था, मैं ऐसे अपने मजे के लिए डाल रही थी कि बहुत टाइम होता था मेरे पास हॉस्टल में, एक टीवी था, वो भी बच्चे ऐसे 50 लोग वहीं बैठ जाते थे, तो आपको कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए होता है। तो 1.5 GB नेट मिलता था उस टाइम पे, वो हम कॉलेज में ही ख़त्म कराते थे। तो मेरे लिए यही बेस्ट था कि मैं खुद अपने लिए कुछ लिखूँ, मुझे लिखना पसंद था, और लिखने में मेरा फेवरेट यही था कि मैं जोक्स लिखूं। तो मैंने वही शुरू किया, और वो फॉर्चुनेटली सही टाइम पे पिक कर गए। तो ये मतलब इसके थोड़ा सा रिवाइंड मोड में चलते हैं, लाइक एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट कि आप एक डिसीजन बना पाए, लेकिन
जैसे हर कोई बोलता है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तब तो थोड़ा भाई मेन स्ट्रीम टाइप के जो प्रोफेशंस हैं वो ज़्यादा सुनने को मिलते थे, लेकिन अब तब आपने क्या सोचा था अपने लिए लाइक एज अ स्टूडेंट एंड हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? आई वॉज रियली गुड, बस मेरी मैथ्स ही खराब थी, बाकी तो हर सब्जेक्ट में मैंने हमेशा एस किया है, मैं बोल सकती हूं मैथ्स आ ही जाता है, बस मेरी मैथ्स खराब, मेरा मेरे मतलब मेरे मैथ्स खराब ऐसे अलग से दिख रहे थे, 95 96 97 33 वो अलग चमकते थे मेरे नंबर मैथ्स के, इतने स्पेशल होते थे। बट हाँ, तब मैंने ये सोचा था कि मैं या तो पढ़ पढ़ के, क्योंकि मैं बीए कर रही थी, मैंने 11 12th में कॉमर्स ली थी, बट मुझे लेनी ह्यूमैनिटीज ही थी, मेरे शहर में ह्यूमैनिटीज ही नहीं थी, एक ये भी है बुलंदशहर जब मैं पढ़ रही थी वहाँ पर, अब तो वहाँ आ गई है ह्यूमैनिटीज डीपीएस वगैरह में, मेरे टाइम पर नहीं थी। तो मैंने सोचा था ठीक है यहाँ अभी नहीं है तो कॉलेज में सही, कॉलेज में मैं आर्ट्स ही पढ़ूंगी, तो मुझे हिस्ट्री वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, तो कॉलेज में जाकर मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा, मुझे हमेशा से उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने यही सोचा था कि ये जो कोर्स मैं कर रही हूँ इससे ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने ग्रेजुएट हुई मैं और तुरंत मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, आप इसमें या तो पढ़ पढ़ के आगे पढ़ाओगे या कुछ और तभी कर पाओगे, मतलब इसमें तो पढ़ाई ही होती है मेन। तो मैंने सोचा पीएचडी वगैरह तो मेरे बस की है नहीं, मैं मेरा हमेशा से ये क्लियर था कि मुझे क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमेशा मुझे रियलाइज हो जाता था कि इतनी मेहनत तो मुझसे नहीं होगी, और मुझे कॉमेडी में मजा आ रहा था, बट ये भी सोच लिया था कि पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी अगर चाहती है कि मैं बैंक एम्प्लॉय बनूं तो मैं बन जाऊंगी, मतलब मैंने ये सोच लिया था कि मुझसे बैंक वाली मैथ्स निकल जाएगी, मुझसे नॉर्मल मैथ्स तो निकल नहीं रही थी तो, बट हाँ मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी, मैं खुद से पढ़ती रहती थी ऐसे यूट्यूब से, हाँ तो यूट्यूब के बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं, तो मैंने वहाँ से फ्री वीडियोज़ देख देख के अपनी बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी, एक रजिस्टर तो मैंने भर दिया था मैथ सॉल्व कर करके, अच्छा, और तभी मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। और उस पहली जो आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुई उस पर हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आई विल गो बैक टू योर यू नो अर्ली डेज, क्योंकि तब हम बड़े नाइव होते हैं, बड़े गलेबल होते हैं, तब समझ भी नहीं आता कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सुना कि तब आपने जर्नलिस्ट बनने का भी सोचा था? हाँ ये भी मतलब ये। हो सकता था कि मैंने, आप होती। अरे मैंने क्या नहीं सोचा था, जो चीज मेरी अच्छी हो जाती थी ना मैं वो सोच लेती, उसी में मैं फील्ड ढूंढ लेती थी। बचपन में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया, मैं ऐसे जीत जीत के आती थी अलग अलग जगह पे, तो मेरे घर वालों का भी बहुत, मेरे घर वालों की बेस्ट चीज ये थी कि वो कभी इन सब चीजों के लिए रिजिड नहीं थे, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई पे ध्यान लगाओ ड्राइंग ड्राइंग में क्या है, तो मेरे घर वाले तो मुझे ले लेके जाते थे, हमारे पास बचपन में कोई व्हीकल नहीं था, वो रिक्शे से मुझे ले लेके जाते थे अगर किसी और स्कूल में कंपटीशन है कि हाँ तुम बनाओ ड्राइंग, और कोई मेजर प्राइज भी नहीं मिलता था, ऐसे ट्रॉफी वगैरह ही मिलती थी, पर वो एक्साइटेड रहते थे, तो मुझे मैंने सोच लिया था कि मैं ड्राइंग की टीचर बन जाऊंगी। फिर मैं न्यूज़पेपर बचपन से ही पढ़ती थी, उसमें साइड में वो कार्टून वाला कॉलम आता था, वो बहुत सारे सटायरिस्ट उसमें अपने कार्टून वगैरह बनाते थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब कार्टूनिस्ट बनूंगी, तो मैं वो ढूंढने लगी कार्टून बनाना कहाँ से सीखते हैं, तो छोटे छोटे कार्टून से शुरू किया, फिर मैंने कहा कि यार कार्टूनिस्ट तो नहीं बनना है, फिर मेरी ना वो वाली स्किल्स आई, ओरेटरी स्किल्स बाहर, मैंने एक्सटेम्पोर वगैरह में पार्ट लेना शुरू किया, मैं वहाँ जीतने लग गई, तो मैंने कहा अब एक्सटेम्पोर में जीत रहे हैं तो अब तो जर्नलिस्ट ही बनेंगे, तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी कि जर्नलिस्ट बनना है ये वो, फिर प्लान क्यों ड्रॉप कर दिया जर्नलिस्ट पर? फिर कॉमेडी ज़्यादा सही लगी। अच्छा जो मैं वही बोल रही हूँ ना, जो चीज़ सही लगने लगती थी एक पॉइंट पे, मैं वही बनना चाहती थी कि अच्छा अभी मेरे जोक्स पे लोग हंस रहे हैं तो ठीक है ये वाला फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वैसे ही कॉमेडी निकला। मतलब क्या है ना कि मतलब दर्शक भी इस बात को मानेंगे कि कॉमेडी जो है उसके लिए आपको मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब अर्ली डेज की अगर बात करें तो वही यू दैट कॉन्फिडेंट, लाइक वही यू शाय पर्सन, वही यू दैट कॉन्फिडेंट? आई वाज ओनली शाय टिल सेकंड क्लास। अच्छा। वो पता नहीं क्या हुआ था, मेरी मम्मी तो बोलती हैं कि कोई दवाई रिएक्ट करी थी, तब मैं बहुत बीमार पड़ी थी, क्योंकि उसके बाद से मेरी जुबान चालू हो गई, ऐसे मैं बहुत ही बोलने लगी, तो शाये तो मैं कभी नहीं रही, और मैं वैसे शाये हूँ ऐसे रिश्तेदारों से मिलने के लिए ये सब करने के लिए, बट स्टेज पर चढ़ा दो तो मैं बिल्कुल शाये नहीं हूँ, वहाँ तो फिर चाहे बेइज्जती ही हो रही हो, मतलब मैंने तो वो सब देख लिया है कि कोई नहीं हंस रहा, एकदम लोग ऐसे आपको देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, आपसे ज्यादा उनको बुरा लग रहा होता है कि शिट आज तो इसकी लाइफ ही खत्म, ये क्या, मतलब ये सब तो मेरे साथ बचपन में हो गया, मेरा पूरा स्कूल बैठा हुआ था, एक बार मैंने एक स्टेम्पोर में ही पार्ट लिया था, और मुझे जो टॉपिक मिला मेरे को उस पर कुछ आया ही नहीं, मैं एकदम ब्लैंक हो गई वहाँ स्टेज पे,
बट मुझे हंसी आ रही थी वहां पे. ये भी नहीं हुआ कि मैं नीचे मुंह करके खड़ी हूँ कि मुझे शर्म आ रही है कि शिट मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ. मुझे हंसी आ रही थी, कह रहे क्या हो रहा है. और मैं बच्चों को लेट करा रही थी, लास्ट पीरियड में ये सब हो रहा था. मैं खत्म नहीं कर रही थी अपना बोलना, बच्चे छुट्टी लेके जा नहीं पा रहे थे. मुझे हंसी आ रही है कि मेरे दोस्त मेरी वजह से लेट हो रहे हैं. तो ये सब हो चुका है. तो शायद आए तो कभी नहीं रही मैं. हाँ, जो कॉमेडी होती है इन द फेस होने से बेहतर है कि बड़ी नेचुरल हो. जैसे कि आप, जैसे आपने कहा कि मैं अपने क्लासमेट्स को देख के हंस रही थी, वो आपके लिए उस वक्त कॉमेडी थी. एग्जैक्टली. तो ऐसे ही जो आपकी कॉमेडी होती है वो आप आसपास से इम्बाइब करते हो, ये कैरेक्टर अच्छा लगा, ये निधि ने ये बोल दिया. मेरी तो पर्सनली जितनी भी आज तक मैंने जो भी कुछ किया है वो सब ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की वजह से ही हुआ है. मैं अगर शाय भी थी तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट मुझे यही हुआ है कि बचपन से ही मेरे आँख कान खुले रहे हमेशा. कोई भी कहीं भी कुछ भी हो रहा होता था, मैं नानी के घर जाती थी, मैं वहाँ दिखती ऐसी थी कि कितना शांत बच्चा है, जहाँ बिठा दिया सुबह से वहीं बैठा है. बट ये देखो ना कि वो बच्चा वहाँ बैठ के क्या क्या देख रहा है पूरे दिन. तो घर जाके मैं अपनी दादी को ये सब करके दिखाती थी. तो अगर बात करें जैसे नज़मा आपी, जो मेरा पहला कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस हुआ, तो वो भी मैंने ऐसे अपने आसपास के लोगों से ही उठाया था. मैं जहाँ से आती हूँ वेस्टर्न यूपी से, वहाँ लोग ऐसे ही बात करते हैं, वहाँ सारे लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं, तो वो वहाँ से आया था. कैसे अगर... मतलब एक मिनट हाँ. एक मिनट मतलब कैसे, क्योंकि नज़मा आपी को लोग बहुत मिस करते हैं यार, बहुत मिस करते हैं. लोग कहते हैं नज़मा आपी कहाँ चली गई, तो थोड़ा सा मिल सकता है? छुट्टी पर गई है. छुट्टी पे? अच्छा, यहाँ मिल सकते हैं. हाँ, तो यहाँ तो अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो, ये उनकी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी. मैंने तो बहुत रैंडमली लिखी थी, मुझे कभी समझ में नहीं आया लोगों को इसमें कितना इतना क्या फन लगता है. बट हाँ, अब मुझे समझ में आता है कि वो वही बात है कि लोग उन्हीं कैरेक्टर्स को कर रहे थे जिन्हें मोस्टली सब जानते हैं. जिन कैरेक्टर्स को किसी ने नहीं देखा वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोगों की, ओ इनकी भी आवाज़ अब कोई सुन पा रहा है. तो वो किसी ने पकड़ा नहीं था वैसा कुछ कभी, वेस्टर्न यूपी वाला. कुछ लोगों लगता था थोड़ी भोपाली है. हाँ. तो उन कैरेक्टर्स को कम एक्सप्लोर किया गया था, इसलिए वो लोगों को शायद ज्यादा पसंद आए. बट ये मतलब सिंपली ये आपने कहा कि वेस्टर्न यूपी से ये एक्सेंट आया, या आपने क्या सोचा, या फिर एक मतलब बड़ा रैंडमली स्पॉन्टेनिटी में कर दिया? ऐसे ही बात करते हैं वहां पे लोग. तो मेरे पापा की, लेकिन द एंटायर लुक एंड एवरीथिंग, वो तो मतलब मैंने ये सोचा था क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी क्या, मतलब मेरे, मैं कुर्ते उड़ते तब पहनती नहीं थी. और मुझे कैरेक्टर रखना वैसा था, तो मैं एक दुपट्टा ऐसे डाल लेती थी. मैंने कहा कम इन्वेस्टमेंट हो, एक ही दुपट्टा रखो. ऐसे नहीं कि हर वीडियो में अलग दुपट्टा लेकर आ रहे हैं. हॉस्टल में लिमिटेड कपड़े थे मेरे पास, तो मैं वो एक दुपट्टे के साथ ही वो करती थी. और वही था कि जो मैंने देखा, जैसे मैंने वहाँ लोगों को ड्रेसअप होते हुए देखती थी, मैंने एकदम वही किया. मैंने अपना दिमाग उस चीज़ में नहीं लगाया था कि उसको वो दिखेगा कैसा कैरेक्टर. मैंने अपना दिमाग सिर्फ उसकी स्क्रिप्टिंग में लगाया था, बाकी तो सब कुछ मैंने एज इट इज जो लोग देखे थे उन्हीं से उठाया. ठीक है, और अगले कैरेक्टर पे आते हैं जो बहुत पॉपुलर हुआ था, कंगना रन आउट. ये कैसे रन आउट हुआ, और मतलब रन आउट तो ऐसे हुआ कि मैंने सोचा एग्जैक्टली एकदम सेम नाम रखूंगी तो कभी केस कर दिया था. तो रन आउट तो वहां से आया था कि थोड़ा नाम डिफरेंट कर लो, वो फनी भी लगता है. अच्छा सलोनी, नज़मा आपी के बाद जो कैरेक्टर को मैं जानती हूँ, कंगना रन आउट जो आपने कैरेक्टर बनाया, ये कैरेक्टर कहाँ से डिवाइज हुआ? यानी कि मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि सोचना पड़ता है. कंगना को हम जानते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर अंदाज है कहने का, तो ये वो मिमिक करना, अपने अंदर लेकर आना, वो कैसे हुआ? ये मुझे लगता है लोग इसका वैसा आंसर एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, कि मैंने बहुत मेहनत की होगी इस पर, मैंने बहुत दिन उनकी वीडियोस सुने होंगे कि वो कैसे बात करती हैं, एक एक चीज़ मैंने कैच की होगी. बट मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ भी किया था. मेरा ये बहुत ही नेचुरल है कि जब मैंने पहली बार उनको बोलते हुए सुना था, मैं तनु एड्स बनू रिटर्न्स देखी थी, उससे पहले आई थिंक एक और मूवी देखी थी. तो मैं 7th 8th क्लास में थी, तब मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने सोच लिया था कि ये कुछ डिफरेंट वॉइस है और इसको मैं क्रैक कर सकती हूँ. तो मैंने मतलब पहली बार ही मैंने ट्राई किया और वो एकदम परफेक्ट आवाज़ निकली थी. मुझे इतना कुछ वो नहीं लगा था कि ओ मैं ये नुआंसेस पकड़ूँ, ये करूँ, वो हो खुद से ही आ गया था. मतलब सब कुछ कि वो हैं, कोई एक पर्टिकुलर वे में बोलती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी वो साथ में कैच करके एक वो प्रॉपर वीडियो रेडी हुई. और पहले मैं सिर्फ ऑडियो करती थी क्योंकि मुझे लगता था लोग ऑडियो अगर खाली सुनेंगे तो उनका फोकस ज़्यादा सही रहेगा इस पर, इसलिए मैं ऐसा करती थी. फिर मैंने वीडियो के साथ मूवी रिव्यूज शुरू किए थे कंगना के. अच्छा. तो पहले आई थिंक मैं सबसे पहले उन्हीं की खुद की मूवी का ही रिव्यू किया था, पंगा आई थी. फिर लोगों को बहुत पसंद आई, तो मैंने दूसरों की मूवीज भी रिव्यू करनी शुरू की कंगना की. उसमें फिर वो बहुत अच्छा लगने लगा लोगों को कि हाँ एकदम वैसी ही मिमिक्री करती है. तो वहाँ से वो शुरू हुआ था.
अगर मतलब मैं चाहती हूँ कि कंगना रनआउट, क्योंकि लोग मिस करते हैं एक अंदाज उनका न्यूज तक के दर्शकों के लिए खास तौर पे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, निधि जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देख के और अच्छी होगी। कैसा लग रहा है आपको मेरा इंटरव्यू लेकर? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है गार्ड भैया की डांट खाकर? ये किसी को अभी शायद वीडियो में ना पता चले कि हमने डांट भी खाई है यहाँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। देखा, इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है मिमिक्री करने में उनकी। ये अच्छा, मुझे ये समझना है कि ये जो आपने बीच में बोला कि मैंने ये सातवीं आठवीं में सोचा कि इसको मैं क्रैक कर सकती हूँ, तो ये जो हम सुनते हैं कि या तो क्रैकर डील सुनते हैं, ये मतलब ऐसे कैरेक्टर्स को भी क्रैक किया जाता है कि हाँ, वॉइस क्रैक करना तो एक चीज होती है ना, आपने मतलब किसी की आवाज पकड़ ली अब जैसे, और बेसिक मिमिक्री करने का थोड़ा इजी वैसे हो जाता है अगर कोई बंदा ऑलरेडी उस इंसान की मिमिक्री कर रहा है। मिमिक्री से मिमिक्री सीखना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो मैंने तो खैर उस टाइम पे तो कोई और करता नहीं था कंगना की मिमिक्री, मैंने स्टार्ट किया वो। किसी किसी की मैंने भी ऐसे सीखी है कि मैंने किसी और की वीडियो देखी जो कोई और मिमिक कर रहा है किसी को, जैसे मोस्टली मुझे किसी ब्रांड ने करवाई थी एक बार धर्मेंद्र की मिमिक्री, तो मुझे तो आती नहीं थी और लड़की हो के मेरी उतनी हैवी आवाज भी नहीं है, तो मैंने आई थिंक सुदेश लहरी जी कर रहे थे उनकी मिमिक्री वो कपिल के साथ, तो मैंने उनकी मिमिक्री देखी और मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी मैं कैच कर सकती हूँ। तो मिमिक्री से मिमिक्री करना बहुत ईजी होता है। कैसे कैच की? अब तो याद नहीं है, 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। वो थोड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि लड़की की आवाज निकालना फिर भी मेरे लिए इजी है, लड़के की आवाज निकालना और वो भी इतनी भारी आवाज, वो टफ था मेरे लिए, बट पैसे मिल रहे थे तो कर लिया। तो अब नए किरदार जो आपके आ गए हैं यानी कि नानू, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने पूरे परिवार को ही अब यूट्यूब पर आप ले आई है और सब लोगों का पार्टिसिपेशन है, खासतौर पर दादी जी का, तो ये कैसे हुआ? मतलब नज़मा आपी और उसके बाद कंगना रनआउट और उसके बाद आ जाते हैं ये कैरेक्टर, लेकिन इस बीच भेलपूड़ी आप खाएंगी, तो दो भैया भेलपूड़ी बना दीजिए। तब तक हम अपनी बात करते हैं कि ये जो नया कैरेक्टर है नानू, ये कहाँ से आया? नानू अगेन वो भी ऑब्जर्वेशन से ही आया था। तो मेरी गली में एक फैमिली रहती थी, उस घर में 14 बच्चे थे, जॉइंट फैमिली, एक ही के नहीं थे, तो उसमें हर तरह का एक एक बच्चा था, एक शांत भी था, एक शैतान भी था और एक ही नानू टाइप का बच्चा था जो मतलब वैसे इतनी चौड़ में रहता था और घर पे उसकी एक भी नहीं सुनी जाती थी। तो वहाँ से एक दिन बहुत रैंडमली मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी कि दैट वन इरिटेटिंग किड, तो वो एकदम ही इरिटेटिंग बच्चा जो जिद ही करते रहते हैं, जो सड़क पर चप्पल उतार देते हैं कि नहीं हमें तो ये दिलाओ, तो वहाँ से वो नानू का कैरेक्टर आया था। फिर मैंने वो बनाया, कुछ लोगों को लगता है वो मेरे ही बचपन की कहानी है, जो कि एक हद तक मुझे भी लगता है कि मेरे भी घर पे यही हाल होता था कि कोई सुन नहीं रहा है मेरी बातें, ये कभी ना कभी तो हुआ है। बच्चों को तो इग्नोर ही किया जाता है बचपन में, एकदम छोटे होते तो एकदम पूरा प्यार मिलता है, उसके बाद तो कि हाँ ठीक है अपने आप बड़े हो जाएंगे, ये इग्नोर करो इन्हें फुल। तो वहाँ से वो नानू का कैरेक्टर आया था और वो सबको इतना अच्छा लगता है, और छोटे छोटे बच्चों को तो लगता है कि वो रियल ही है। मैं एक बार इतनी सी थी बच्ची, वो रही होगी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, तो मैं उससे मिली और तो वो एकदम ऐसे एक्साइटेड, उसको लगता था नानू मेरा बच्चा है, तो वो आगे कहती है कि आप नानू को घर छोड़ के आए हो? मैंने कहा हाँ। तो कहती कि तो वो आप उसको मतलब कभी बाहर नहीं निकालते हो, वहीं रहता है घर पे? तो उसको किसी ने बोला कि नानू रियल नहीं है, नानू नकली बच्चा है, फिल्टर से बनता है। तो कहती कि आप झूठ बोल रहे हो, वो उससे लड़ने लगी, मतलब वो इतनी क्यूटनेस उसमें मुझे दिखी कि हाँ वो इतना रियल लगता है लोगों को कि, और स्पेशली छोटे बच्चों को, कि वो सच मान कर बैठ गए कि उनके जैसा एक किरदार है, उनको वो अपनी प्रॉब्लम्स लगती हैं उस बच्चे में देख कर, तो वो एक बहुत प्यारी चीज़ थी। लेकिन नानू के साथ साथ नानू आप कर सकती हैं, जिन जो दर्शकों ने नहीं भी देखा उनके लिए, वैसे तो वो एक फिल्टर है और उसकी वॉइस भी मैं थोड़ा चेंज करती हूँ एडिट पे, तो वो तो यहाँ नहीं हो सकता है, वो ज्यादातर एडिट गेम प्ले है। देखिए भेलपूरी इसके साथ आ गई। थैंक यू। आगे की अगर बात करें कि हम बात करते हैं कि नानू और नए कैरेक्टर्स जो इसमें आके जुड़ गए, उसके बाद हमने देखा दादी जी जो है आपकी वो जुड़ गई, आपके परिवार के और किरदार हैं वो यहाँ पर आ गए, तो उनकी एंट्री कहाँ से हुई और उनको कन्विंस करना क्या आसान था? कन्विंस तो वो बहुत इजीली हो गए थे, जुड़े हुए ऐसे कि घर मेरा छोटा है और अगर मैं खुद वीडियो बनाती थी तो उन्हें एक कमरे में बंद करना पड़ता था क्योंकि वो हल्ला करते हैं। घर वाले नहीं समझते ना अपनी कि हाँ क्या लाइन बोल रहे हैं, हम पीछे से निकल जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है। तो मैंने सोचा जब ये इतना घुस ही रहे हैं कैमरा में आके, तो क्यों ना इनसे काम ही ले लिया जाए। वो वैसे भी अब सब रिटायर हो गए हैं मेरे घर में, सबकी चिल लाइफ चल रही है, तो मैंने कहा ठीक है इनको भी एक एक्टिविटी मिलेगी। मेरे पापा की एक शॉप थी वो अब बंद हो गई है क्योंकि हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए, तो उनको भी कुछ चाहिए था, तो अब सबको एक चीज़ मिल जाती है इससे और सबको मज़ा भी बहुत आता है, स्पेशली मेरी दादी को। मेरी मम्मी तो थोड़ी ऐसे हैं कि क्या मुझे नहीं करना,
वो वैसे भी उनको घर का पूरे दिन बहुत काम रहता है, तो उनको एक ये और वो लगता है कि एक और काम पकड़ा दिया है इसने। पापा का मेरा ऐसा है कि कराना है करा लो, नहीं कराना नहीं कराओ। दादी का एकदम फुल, वो अब मुझे वो इतनी ज्यादा प्रो हो गई है कि वो अपनी लाइंस में दिमाग लगाने लगी है। अच्छा, कि मुझसे ये लाइन क्यों बुलवा रही है, ये तो मैं करती भी नहीं हूँ रियल लाइफ में। उनको जोक्स तो थोड़े कम समझ आते हैं क्योंकि उन्हें कंटेक्स्ट भी नहीं पता होता है, बट जैसे वो अभी मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे रही थी, तो उनका ना वैसा हो गया है जैसे अगर मैं दादी से ये बुलवाऊँ कि मैं तो 12 बजे सोकर उठती हूँ, तो दादी अब ये दिमाग लगाती हैं कि पर मैं तो 5 बजे उठती हूँ, मैं क्यों बोलूँ कि मैं 12 बजे उठती हूँ। तो उनके वो वाले इश्यूज हो गए कि मेरी पब्लिक को ये क्यों तू गलत पोर्ट्रे, मेरी इमेज गलत क्यों पोर्ट्रे करा रही है कि भाई दादी लेट सोकर उठती हैं। तो वो वाली चीजें हो गई हैं। एक बार मैं उनके साथ फोटो ले रही थी तो कहती है हम थोड़ा कट रहे हैं, इसको थोड़ा पीछे कर ले। उन्हें ट्राईपॉड तो नहीं पता कि इसको ट्राईपॉड कहते हैं, इसे अपने इस कैमरे वाले को थोड़ा पीछे कर ले, हम दोनों आ जाएंगे फ्रेम में। तो वो वैसी चीजें फुल सीख गई हैं और मुझे लगा नहीं था, जैसे मेरी दादी भी वही रही है कि भाई वो पुराने जमाने की है इतना, और पहले औरतें कहाँ ही इतना बाहर निकलती थी, और अब उनको भी लोग ऐसे पहचानते सड़क वड़क पे, तो उनको भी अच्छा लगता है बहुत कि जो वो तब नहीं कर पाई, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने ये तब भी नहीं करने का सोचा होगा, बट हाँ इस एज में आके किसी को अगर कोई नई चीज एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है तो उन्हें बहुत फैसिनेटिंग लगती है वो चीज। तो मतलब दिक्कत तो नहीं होती उनके साथ शूट करने में, क्योंकि आप आमतौर पर घर पर ही शूट करते दिखाई देते हैं, तो जैसे आपने कहा कि दादी जो है वो अपनी तरफ से कहती है, अपना एक इनपुट जो है वो दादी की तरफ से रहता है, आने वाले टाइम में और भी कोई किरदार है आसपास के? नहीं, मेरी भाई बंधु इतने ही लोग हैं अभी, तो इतने ही लोग हैं भाई, जो लोग जितने लोग हैं सबको यूटिलाइज कर देना है मुझे। बाहर से एक्टर्स क्यों हायर करने, मेरे घर में सब लोग, अब लोग यही लिखते हैं कि आप तो क्या ही करती हो, आपकी दादी आपसे इतना अच्छा करती है। हाँ, मतलब योर दादी इज ऑल ओवर द इंटरनेट। एग्जैक्टली, शी इज क्रैशिंग द इंटरनेट। एग्जैक्टली भाई। तो और कोई, जैसे हमने देखा कि आपने और भी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो किए हैं, शोज किए हैं, तो वो शोज करना कैसा एक्सपीरियंस था, और वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हाउ डिड इट गेट टू यू? शुरुआत वही लॉकडाउन में ही हुई थी, जब मैं वीडियोस बना रही थी। हाँ। तो तब मुझे पहला शो मिला था सोनी लिव के लिए, तो उन्होंने वही देखा कि मैं सटायर अच्छा करती हूँ, मेरी ये पॉलिटिकल कमेंट्री बहुत अच्छी है, तो उन्होंने वैसा ही, मतलब उन्होंने तो हमें फ्री हैंड दिया था कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। तो तब मेरा यही स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मेरी यही वाली वीडियो सब लोग ज़्यादा देखते थे, नजमापी वगैरह, तो हमने सोचा कि जो चीज़ ऑलरेडी हम अच्छी कर रहे हैं हम उसी पर खेलेंगे, हम अपने बेस्ट, हम अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेलते हैं। तो हमने थोड़ा ऐसे सटायरिकल शो ही बनाया था वही, कि हम थोड़ी उसमें जो भी पूरे हफ्ते की न्यूज़ होती थी उस पर बात करते थे, और बहुत रैंडमली मिला था वो शो, मतलब जो सोनी लिव के उस टाइम फाइनेंस हेड थे आई थिंक, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ वी शुड गिव दिस गर्ल सम अपॉर्चुनिटी। मुझे तो अभी भी लगता है कि बहुत ही तुक्के से मिला है, मतलब कौन ऐसे 20 साल के बच्चे को पैसे थमा देता है इतने कि भाई आप कर लो आपको जो करना है। उन्होंने लिटरली हमसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, आपको जो करना है आप वो करो। तो हमने वो शो बनाया, उसके बाद दूसरा शो तो ऑडिशन बेसिस पे मिला था, ये तो मतलब एकदम झोली में आके गिरा था। और दूसरे वाले के लिए मैंने मेहनत की थी ऐसे, इसके लिए भी वो मेहनत थी कि हाँ इतने साल वीडियो बनाई और फिर वो मिला, बट हाँ दूसरे वाले में थोड़ी वो एक्टिंग वाली मेहनत हुई है कि हाँ ऐसे लाइन बोलनी है वैसे करना है। वहाँ तो ये समझ लीजिए पिछले वाले शो में कि मैं खुद अपनी मालकिन थी अनकॉमन सेंस में, मतलब मुझे वो चीज़ अच्छे से करनी आती थी, इतने साल से वही कर रही थी। बट कैंपस डायरीज में मुझे प्रॉपर वो एक्टिंग दिखी लोगों की, जो जब एक्ट्रेस के साथ काम किया कि अच्छा इतनी इतनी बार ये लाइन बोलते हैं, इतनी इतनी बार इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ हमारे को एक्ट्रेस है ऋत्विक, वो भाई बिना ग्लिसरीन के रो दिया वो, तो वो दिखता है कि हाँ इसने कितनी मेहनत की है अपनी एक्टिंग सुधारने में। तो वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है, खुद एक ट्राईपॉड के सामने बोलना और फिर एक डायरेक्टर के अंडर काम करना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। बट थोड़ा हेल्प कर जाता है कि मैं एकदम ऐसे उठ के नहीं आ गई थी, मैं मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस था ही, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था। एक आम सवाल जो लोगों के मन में आता है, और क्योंकि हम ओ वुमनिया पर हैं और यहाँ पर फीमेल कॉमेडियन और फीमेल इन जनरल भी अलग अलग प्रोफेशंस में हमें बहुत लेट देखने को मिले हैं, जिन्होंने कुछ स्टीरियोटाइप्स तोड़े हों, कुछ ऐसा किया, और ऐसे इसीलिए ऐसे लोग जो हैं वो शामिल होते हैं ओ वुमनिया पर। तो यहाँ पर एज अ फीमेल कॉमेडियन अगर हम बात करें, तो क्या कुछ दिक्कत हुई, क्या लोगों की तरफ से कुछ सुनने को मिला, चाहे आप एक्टिंग करने गई, चाहे आपके शुरुआती दिन रहे हों? पर्सनली मुझे नहीं सुनने को मिला, बट मैंने दूसरों के साथ ये किस्से सुने हैं ज़रूर, और मुझे पता भी है कि ऐसा होता है,
कि बोला जाता है कि लड़कियां फनी नहीं होती. अब देखो मैं इस बात पे कभी विश्वास कर नहीं सकती थी क्योंकि मैंने बचपन से अपनी दादी को देखा और मुझे पता है कि वो बचपन से कितनी फनी रही है. तो मुझे ये तो पता था कि लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी आई थिंक नहीं मिली, वो स्टेज नहीं मिला है कि वो अपना जो उनका कॉमिक सेंस है वो दिखा पाए, बट वो फनी तो हमेशा से रही है, ये मुझे तो आइडिया था. और अगर कोई मुझे भी तब बोलता था कि भाई तू फनी नहीं है, तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. किसी इंसान को किसी के जोक्स पर हंसी आती है, किसी को नहीं आती है. आप मेरी वीडियो पर देखो, आधे लोगों को आ रही होगी, आधे लोगों को नहीं आ रही होगी. उससे मैं ये सोच के नहीं बैठ जाती हूँ अगर कोई मुझे बोलता भी है ना कि दिस इज़ नॉट फनी, हमें तो नहीं फनी लगा, कॉमेडी कहाँ थी इसमें. तो अगर मेरी वीडियो पर 100 के 100 लोग अगर 100 लोग देख रहे हैं और 100 ही लोग लिखने लग जाए, तब तो मैं सोचने बैठूंगी कि हाँ भाई मैं कुछ गलती कर रही हूँ, मेरी वीडियो अभी नहीं फनी हो रही है. बट अगर ऐसे 100 में से 10-20 लोग बोल रहे हैं तो वो नहीं है, वो तो जेन्युइन फीडबैक तो नहीं है, और मे बी सिर्फ उन्हें ही नहीं पसंद आ रहा है मतलब. तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बट ऐसा होता तो है, अभी भी लिख देते हैं लोग. बट पर्सनली मेरे को किसी अपॉर्चुनिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि औरत होने की वजह से कि हाँ भाई मुझे किसी ने डिनाई कर दिया हो कोई अपॉर्चुनिटी. मुझे तो उल्टा, मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं जैसा भी बता रही थी कि 20 साल के बच्चे को ये शो मिल जाना और पूरा आपने फुल फ्रीडम के साथ दिया, ये नहीं सोचा कि हाँ ये फनी कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. तो पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. और अभी तो मुझे लगता है कि इंटरनेट ने तो आपको ये एक स्पेस दिया है कि जहाँ लड़का लड़की सब बराबर, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. और अगर किसी को गाली भी पड़ रही है तो मुझे लगता है वो बराबर ही पड़ रही हैं अभी तो. वो अलग बात है, लड़कियों के लिए गालियां थोड़ी बदल जाती हैं, वो गालियां थोड़ी बदल जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी वही है. अच्छा एक चीज मैं आना चाहूंगी, आपकी इंस्टाग्राम बायो पे, इंस्टाग्राम के आपकी बाकी जगह भी यही बायो मुझे दिखी, स्टिल कांट बिलीव दैट माय पेरेंट्स अलाउड मी टू फॉलो माय पैशन विदाउट गेटिंग एन एमबीए डिग्री. तो ऐसा कुछ था कि एमबीए डिग्री का पहले प्लान था? और नहीं नहीं, ये तो मतलब एक टिपिकल उसकी आप बात कर रहे हैं. अरे वो लिखना था बायो तो लिख दिया था, ऐसा कुछ था नहीं. बट हाँ, एक ये भी ऐसे जोक ही था, मतलब कि अक्सर यही होता है कि लोग अपना ग्रेजुएशन वगैरह सब कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना पैशन फॉलो कर पाते क्योंकि घर वाले नहीं समझते हैं. अगर कोई ऐसा अनकन्वेंशनल कोई चीज़ बोल दे कि हमें ये करना है, या मान पहले तो ये भी अभी FM वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा वो हो गई है कि हम रेडियो जॉकी हैं, तो वो फिर भी आजकल पेरेंट्स को समझ में आता है. पहले ये अनकन्वेंशनल चीज़ थी, पर अब ये हो गया है कि ऐसे कॉमेडी करना, सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें. तो मुझे लगता है इसीलिए लोग जब थोड़ा कमाने लगते थे उसके बाद अपना पैशन फॉलो करते थे कि अब हम थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं खुद पर. मेरे फॉर्चुनेटली ऐसे थे पेरेंट्स कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ का दिक्कत नहीं आने दी मुझे कि हाँ भाई पहले घर में पैसा ही लेकर आओ फिर ही अपने पैशन फॉलो करो. और मेरे केस में ये भी हुआ कि मैंने अपना पैशन जब फॉलो किया तो मेरी फाइनेंसिस की दिक्कत कभी रही नहीं, वो शुरू से ही मेरी वीडियोज़ पिक कर गए. तो वो एक किस्मत की बात थी मेरी, तो मैं तो उसमें थोड़ा क्रेडिट ऐसे भी देना चाहूंगी यूनिवर्स को कि सही टाइम पे वीडियोस मेरे वायरल हुए. आपको लगा कि यू हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स? हाँ हाँ, सम मेरे को वर्ड नहीं पता था, मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता था. बट हाँ, वो मैनिफेस्टेशन वही होता है ना कि आपने एक बार बचपन से चाहो पूरी कायनात, वो वाली बात है. वो कुछ आजकल कुछ लोग वैसे भी आ गए हैं कि बस मैनिफेस्ट करते हैं, उसके लिए कुछ काम नहीं करते. तो ऐसे थोड़े ना हुआ कि आप बैठे हुए हो और कुछ सोच रहे हो, वो नहीं होने वाला, आपको कुछ उसके लिए करना भी पड़ेगा. तो मैं सोचती भी थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है और फिर मैं उसके लिए मेहनत भी करती थी, तो वो हो गया. माता पिता का लेकिन आपको शुरुआत से फुल सपोर्ट रहा है? हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों में मेरा जो भी स्ट्रगल, इतना तो मेरा कुछ खास स्ट्रगल रहा भी नहीं है, बस यही था कि हाँ मेरा इंटरनेट नहीं होता था, ये जो चीज़ मेन है वो मेरे पास सबसे घटिया थी. हाँ है ना, कितनी ऐसे स्ट्रगल स्टोरी रही है मेरी. तो ऐसा कुछ खास वो नहीं था भाई, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है. मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, मैंने जुगाड़ लगा लिया. मैंने मेरी इतनी मोटी आरडी शर्मा की बुक थी, कभी मेरे को समझ में नहीं आई मैथ्स की, वो मैंने कहा ठीक है ये ट्राईपॉड बनेगी मेरा, मैं उससे फ़ोन टिका के बना लेती थी. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उस लाइफ से, मेरे को मज़ा आ रहा था. बट मेरे मेन चीज़ यही होती है कि अगर आपके फैमिली वाले आपको ताने दिए जा रहे हैं, फिर आपकी क्रिएटिविटी ना एक पॉइंट पर ख़त्म होने लगती है कि भाई यही लोग नहीं सपोर्ट कर रहे जो आपके एकदम इमीडिएट फैमिली है आपकी. बट मेरे साथ वो केस नहीं था, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. और इनफैक्ट उनका तो ऐसा था, अगर कोई बाहर वाला बोल भी रहा होता था ना, कभी मेरे पड़ोसियों को समझ में नहीं आता था ये क्या कर रही है, तो वो उनको झाड़ लगा देते थे. वैसे कभी नहीं लड़े, उनका हमेशा से वो था सबसे बना के रखो, यही लोग तो काम आएंगे. पर मेरे केस में वो सबसे भिड़ने को रेडी रहते थे कि हमारी बच्ची है जो कर रही है करेगी, देख लेंगे. तो हाँ, अच्छा एक शिकायत भी मैं लेकर आई हूँ कि वो पुराने कैरेक्टर्स आपके जो नज़्मा आपी, कंगना रनआउट, ये सब कहाँ चले गए, क्यों गायब हो गए? मुझे खुद ऐसे गायब तो वैसे कुछ नहीं हुआ है, मतलब हाँ बहुत दिन से डाला नहीं है, ऐसे बंद नहीं किया है मैंने, बट मुझे खुद मज़ा आना कम हो गया था थोड़ा, कि आप वही सेम चीज़ करते रहो ना तो लोग बहुत ऐसे हो जाते हैं कि इसको सिर्फ यही दो चीज़ें आती हैं क्या,
तो मुझे खुद के लिए भी कुछ अलग करना था। आप वही सारी चीजें इतने सालों तक करते रहोगे, कुछ नया नहीं करोगे, तो आप अपस्किल कैसे कर पाओगे? आप खुद वही चीजें लिखे जा रहे हो कब से, वो एक फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो मुझे भी था कि जो कर लिया वो तो कर लिया, अब कुछ नया भी ट्राई करना है। मे बी मेरी ऑडियंस फिर इतनी रिजिड हो जाती कि वो और कुछ कभी, अगर मैं बहुत सालों तक सेम चीज करती तो वो कभी और कुछ परसीव ही ना कर पाती कि हाँ भैया हमें तो वही दो चीजें चाहिए। तो आप, मुझे लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैंने वो थोड़ा ब्रेक लगाया उस चीज को और मैंने फिर कुछ और एक्सप्लोर किया। और मुझे लगता है कि अगर मैं वो कैरेक्टर्स बंद ना करती तो मैं खुद भी कभी नानू वगैरह ये सब ना सोच पाती, मुझे खुद का पोटेंशियल डिस्कवर नहीं कर पाती मैं कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जैसे आप ट्विटर पर पहले डालती थी तो एक बार ये भी एक रहता है कि कहीं पॉलिटिकल चश्मों से हर चीज को ना देखा जाए, ये कभी आपने फेस किया इस तरह की चीज? मतलब देखते ही थे ये, तो मैं नहीं सोचती थी कि इसे कोई पॉलिटिकली पॉलिटिकल चश्मों से ना देखे, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मतलब मुझे तो पता ही था कि देखा ही जाएगा। आप ट्विटर पर डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी लिखो उसका एक पॉलिटिकल एंगल निकाल के ले ही आते हैं, बट मुझे उस चीज़ से कभी कोई डर या कुछ वैसा नहीं था। मतलब मुझे पता था ये लोग क्या ही कर लेंगे, मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन हेट है। और मुझे तो इनफैक्ट मज़ा आता था, मैं आज भी, मैं ट्विटर पर उतना वैसे एक्टिव नहीं हूँ लिखने के मतलब से, बट मैं देखती अभी भी उतना ही, और मुझे मजा आ रहा होता है किसी दिन कोई ट्रोल हो रहा होता है तो मैं तो उसे फन की तरह ही लेती हूँ। जब मैं खुद ट्रोल होती थी तब भी मैं उसे फन की तरह ही लेती थी, आज जब नहीं हो रही हो तो शांति है जीवन में, तो इसीलिए मैंने वहाँ डालना भी चीज़ें कम कर दी। और वो इसीलिए था कि आप, मतलब एक पॉइंट पे ना आपको मजा आता है कि हाँ ठीक है, आपको भी फेम मिल रही है और आपको लगता है कि आप उस जोश में होते। मैं भी उस टाइम, मेरी एज कम थी तो मैं भी जोश में रहती थी, मैं आज इसको समझा दूंगी, तो अब उसमें नहीं है भाई। अब समझ आ गया कि नहीं उतना टाइम फोड़ना होता है इन लोगों के ऊपर, तो मैं नहीं करती हूँ और मैं उतना नहीं समझा सकती लोगों को, तो मैंने चेंज कर दिया। और क्योंकि आपने ट्रोल्स की बात की तो जाहिर तौर पर यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पर आप काफी एक्टिव हैं, तो वहां पर ये सब फेस करना पड़ता है। और खासतौर पर एज अ वुमन जब आप होते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि गालियां बदल जाती हैं, पर वो उस केस में मैं थोड़ी फॉर्चुनेट रही हूँ, मुझे वो वाली गाली ऐसे कभी कुछ खास पड़ी नहीं। एक आध बार शुरुआत में वही उन कैरेक्टर्स की वजह से मुझे थोड़ी गाली पड़ती थी, और वो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि औरतें भी वो गाली दे रही होती, तो मैं उस चीज़ को तो लेकर चलती ही नहीं हूँ कि भाई हम एज अ वुमेन हमें ज़्यादा गाली खाने को मिलती है। मेरे को तो औरतों ने भी गालियाँ दी है तो फिर उसका क्या पॉइंट है? मतलब सभी इक्वली ही दे रहे हैं, इक्वली ही सब खा रहे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे केस में मेरी ऑडियंस काफ़ी हमेशा से समझदार रही है, उन्होंने कभी मेरे को वैसा वाला हेट नहीं मिला कि मुझे एक दिन बैठ के सोचना पड़ जाए कि भाई मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि मैंने किसी की बेइज्जती, किसी ने मेरी की, और वो हिसाब बराबर हो गया उस टाइप का। मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी वाली बातें कर जाते थे ऐसे मजाक में, मतलब ऐसे एकदम वो वाली गालियाँ कभी मेरे को खाने को नहीं मिली, आगे भी ना मिले। लेकिन मतलब इतना सीरियसली आप नहीं लेती इसको, और मैं खुद भी नहीं लेती। मतलब आप एक आइडिया तो देखो आपको लेके चलना पड़ता है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हेट मिलेगी। अगर आप एकदम ही इस मान के चल रहे हो कि सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा रहेगा तो वो तो नहीं रहने वाला है। तो एक इसलिए एक तो मेरा यही फायदा हुआ कि मेरे को शुरू से पता था कि ऐसा होगा, मैं ये मानकर चल रही थी, तो जब हुआ तो मैं एकदम सरप्राइज नहीं हुई उस चीज़ से, इसलिए मुझे उस चीज़ ने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया क्योंकि पता था कि होने वाला है, कभी तो होगा ही, सबके साथ होता है। तो आप मतलब ये कहना बहुत इजी होता है कि दिल पे मत लगाओ, कुछ लोग ऑब्वियसली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मैं उस मामले में कम सेंसिटिव होंगे, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोल जाए। और वो आई थिंक बचपन की वजह से ही ऐसा रहा है कि बचपन में किसी ना किसी से, आप स्कूल में कोई आपको कुछ बोल रहा है, टीचर्स आपके ऐसे होते थे जो आपको कुछ भी बोल दे रहे हैं, जबकि टीचर का तो मतलब एक थोड़ा सभ्य तरीके से उनको रहना चाहिए, बच्चे को डांट भी अच्छे से लगानी चाहिए, बट हमारे यहाँ तो बोल देते थे कुछ भी बच्चों को। तो उसने मतलब किसी के ऊपर उस चीज़ का कुछ अलग असर होता है, मेरे ऊपर ये हो कि मैं टफ बन गई उससे कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता है अब कोई कुछ भी बोले। लेकिन क्या होता है ना कि आज जो हो सकता है कि बडिंग यूट्यूबर्स हों, कई देखो कहना आसान है कि हम इसको इग्नोर करते, वो विद टाइम में भी आ जाता है। मैं किसी और को ये नहीं बोलती हूँ कि भाई इग्नोर करो, कोई कर लेता है कोई नहीं करता, मैं वही बोल रही हूँ कि कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीजों को लेकर, मैं नहीं हूँ, ये मेरी अपनी एक अच्छी चीज है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मैं किसी दूसरे को ये नहीं कहती कि भाई तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, पड़ता है कुछ लोगों को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या फीमेल कॉमेडियंस की तरफ मार्केट और खुल रही है, कॉमेडियंस की तरफ इन जनरल भी और फीमेल कॉमेडियंस की तरफ भी?
अब तो कॉमेडियंस की तरफ इन जनरली बहुत मार्केट्स खुल रहे हैं. आप देखो कि पहले पहले लोग हमेशा ज्यादातर सबका होता था कि हफ्ते में एक बार मूवी देखाएंगे. आजकल तो मूवीज ऐसी आने लग गई है कि कोई जाना नहीं चाहता है और सब ऑनलाइन अवेलेबल है. लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आजकल आप देखो सब सारे कॉमेडियंस के हाउसफुल शोज जाते हैं. सब लोग का वीकेंड का प्लान ही हो गया है कि हाँ कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का इधर शो लगा हुआ है वो देखाते हैं. इस चीज को लेकर लोग बहुत आजकल खुल गए हैं. मतलब पहले थिएटर वगैरह भी जो था बहुत एक ऐसा अलग क्लास थी उन लोगों की जो थिएटर वगैरह देखने जाते थे. ये मतलब जो प्लेज होते थे वो सब आजकल उसका एक अलग पार्ट ये स्टैंड अप कॉमेडियन ने ले लिया है कि हाँ भाई कोई कॉमेडियन आया उसको देखने जाते हैं. और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब वो वाला सीन तो नहीं रह गया है कि भाई तुम फीमेल कॉमेडियन हो तो तुम्हें स्पॉट नहीं मिलेगा. आप देखो कितने सारे कॉमेडियंस है अभी. मैं तो खैर मेरी पर्सनल फेवरेट तो सुमुखी सुरेश है और ये काफी टाइम से कर रहे हैं इन लोगों ने. हाँ शुरुआत में हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मैंने उनसे कभी उनकी स्टोरी नहीं पूछी, बट क्योंकि ये इतने सालों से कर रहे हैं तो हो सकता है इनके इनिशियल ईयर्स में इनको ये फेस करना पड़ा हो कि इनको वैसा स्पॉट देते होंगे जब कम ऑडियंस रहती होगी. मे बी, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ उनका कि जो इतने टाइम से शुरू कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो शुरुआत की उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ कि आजकल ऐसा कुछ नहीं है और होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा. लेकिन अगर आप बताना चाहें दर्शकों को कि क्योंकि आप एक आपने एक एग्जांपल सेट किया है मेरी नज़र में और जो फीमेल कॉमेडियंस हैं खासतौर पर वो अगर आगे आना चाहें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहें इन कॉमेडी इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी हाउ कैन द बिगिन डूइंग दैट. जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ शुरू करो. मतलब मैं किसी को वो वाला ज्ञान नहीं देती भाई आप ये खरीद लो आप वो खरीद लो. मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, मेरे पास जितना था मैंने उससे ही शुरू किया. और आप अभी भी फोन से करते हो? हाँ मैं तो अभी फोन अपग्रेड हो गया है मेरा, अभी वो नहीं है. एक पॉइंट के बाद आपकी ऑडियंस भी चाहती है कि आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आपका कॉन्टेंट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपके वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो. वो एक पॉइंट पर फिर अगर आपको उस चीज़ से अर्न करना है उसको मोनिटाइज करना है तो ब्रांड्स ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे ब्लरी सी वीडियो दे दो उनको. ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट अच्छे से दिखे ये सब हो. तो उसके लिए आपको हमेशा कुछ साल बाद तो अपग्रेड करना ही पड़ता है जब आप शुरू कर रहे हो. लेकिन तब मैं तो हर किसी को ये एडवाइस देती हूँ कि ज़्यादा पैसा मत लगाओ. ज़्यादा दुख आपको तभी होता है कि भाई हमारा इतना पैसा लग गया इस चीज़ में और अब हम इसको वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं. मैंने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी इसमें. जो कपड़े मेरे पास थे उन्हें पहन के वीडियो बनाती थी. जो एक नोटबुक थी, लैपटॉप भी नहीं था, मैं तो नोटबुक में स्क्रिप्ट लिख लेती थी अपनी या फ़ोन में लिख ली, उसी फ़ोन से शूट किया. ना मेरे को लोकेशन की चिंता, पीछे सीलन वाली दीवार दिखती थी. तो उसका भी ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को इतना नेचुरल लगता था ना वो कैरेक्टर कि सच में कोई गरीबी से उठ के आई है एकदम, कि कैसे घर में रहती है. तो मे बी जो आप जहाँ कर रहे हो ना वो उस वीडियो में उस चीज़ में वो ऐड अप ही करेगा. कोई ये नहीं सोचेगा कि ये क्या बना रहा है. लॉकडाउन में तो लोगों ने यही किया था, सबने अपने घरों से ही कुछ ना कुछ, कितने लोगों का टैलेंट बाहर आया. अब उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि किसी अच्छे लोकेशन पे करें ये करें. शुरू से ही उतना उस लेवल पे मत पहुंचो, धीरे धीरे शुरू करोगे तो अगर नहीं भी वर्कआउट की चीज़ है तो कम दुख लगेगा. मैं तो बाद का सोच के भी चलती हूँ यहाँ कि हाँ फेलियर हुआ तो हुआ, आप कुछ और चीज़ देख लेंगे. तो जितना है उतने से शुरू करो. एक सवाल मुझसे, मैंने एक आध जगह पढ़ा आपकी वीडियो के कमेंट्स में, मैंने पढ़ा कि क्या फनी होना काफी है कि आप सोच पाएं कि मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ. नहीं, फनी होने में और उस चीज को किस तरीके से, उन जोक्स को कैसे आप डिलीवर करोगे, दो अलग अलग चीजें हैं. आप किसी को, अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं अपनी, मेरी एक मौसी है वो बहुत फनी है. वो ना कुछ लोग जो इन जनरल लाइफ में फनी होते हैं वो वाली फनी है. बट अब अगर उनको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, उनको उनको बोला जाए कि आप जो ये फनी फनी बातें करती हो आप एक पेपर पे लिख के बोल दो, किसी को सुना दो, तो हो सकता है उनसे ना हो पाए परफॉर्म. तो एक तो आपको थोड़ा परफॉर्म करना भी आना चाहिए. परफॉर्मर्स और आर्टिस्ट ऐसे वो अलग होते हैं ना. हाँ. कि कोई परफॉर्म कर पाता है कोई नहीं कर पाता है. अब अगर मेरी दादी को ही ले लो एक फॉर एग्जांपल, अब वो वैसे लाइफ में बहुत फनी है बट मैंने उनको ऐसे बताया कि आप इस लाइन को ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, तो उनकी परफॉर्मेंस और एनहेंस हुई. हाँ. तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है हमेशा अलग होती हैं. सिर्फ फनी होना इनफ नहीं हो पाएगा. अभी अगर आप मान लो कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, उसको जोक्स लिखने जोक्स बोलने नहीं आते, मतलब उसको किसी ने लिख के दे दिया, हो सकता है वो आपसे भी बढ़िया डिलीवर कर दे. इसलिए राइटर्स अलग होते हैं परफॉर्मर्स अलग होते हैं. तो फनी होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा आप अपनी दूसरी स्किल्स भी, मे बी वो एक वो हो सकता है कि शुरुआत आप उतने से कर लो बट फिर आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा. आपको मे बी कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप परफॉर्म कैसे कर पाओ, या फिर अगर आपको हमेशा कैमरे के पीछे ही रहना है, आपको सिर्फ लिखना ही इतना है, तो हर चीज़ हो सकती है. आपकी कोई ना कोई स्किल कहीं ना कहीं तो काम आ ही सकती है. अगर आप सिर्फ लिखते अच्छा हो, अगर आप सिर्फ ये मानते हो कि हाँ भाई हम फनी है, तो मे बी आप सिर्फ जोक्स लिखो, परफॉर्म कोई और करे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ काम आएगा. मुझे ये लगता है कि जो चीज नेचुरली आती है ना वो हमेशा अच्छी ही साउंड करती है. वो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी के साथ जो चीज आती है, जैसे हम
तमाम तरह की कॉमेडी देखते हैं, अलग अलग तरह के, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी है या कपिल शर्मा है, उनकी एक अलग तरह की कॉमेडी है। तो मुझे लगता है जो कॉमेडी चीख चीख के बोलती है ना कि आई एम फनी, वो वाली कॉमेडी मतलब मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद आती। और जो नेचुरली आती है, यानी एक स्ट्रेट फेस के साथ भी अगर एक लाइन आती है तो दैट इज मोर फनी टू मी। हाँ, वो है, मेरा भी ऐसा ही मानना है। बट फिर मुझे अगेन लगता है कि हर तरह की कॉमेडी की हर तरह की ऑडियंस है, सबकी, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, हर तरह की कॉमेडी चलती है। कपिल शर्मा की कॉमेडी मे भी आपको ना पसंद आए, आपके मम्मी पापा को पसंद आएगी शायद। आज भी आप चले जाओ, हर किसी के घर में चल ही रहा होता है कि किसी की दादी बैठ के देख रही है, किसी के पापा मम्मी देख रहे हैं। नहीं, ही इज वेरी फनी। हाँ, मतलब मैं एग्जांपल दे रही थी। बिल्कुल। तो सब, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कॉमेडी का कोई ना कोई फैन है, हर तरह की। सबकी अलग चॉइस हो सकती है, जैसा आपने बोला था कि एक स्ट्रेट फेस के साथ जो बोल दिया जाए वो आपको ज्यादा पसंद है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर, आप कुछ भी करोगे आजकल तो सब देखने वाले बहुत लोग हैं, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है जिसे कहते हैं वुमनिया स्पेशल। अच्छा। इसको आप रैपिड फायर मान लो। अच्छा। कि बड़े कम सवाल है वैसे इसमें। एक सवाल ये कि विच फेमस इन्फ्लुएंसर इज ऑन योर स्पीड डायल? कोई भी नहीं। कुछ रोशनी डालना चाहेंगी इस पर? आप सोशली आप कम इनएक्टिव हैं या ज्यादा एक्टिव होना पसंद है? मैं उस तरफ कम एक्टिव हूँ, मतलब मेरे आज भी दोस्त तो वही हैं जो मेरे बचपन में दोस्त थे। मैं उधर कम उठती बैठती हूँ, मतलब मुझे अपनी लाइफ उसी के अराउंड नहीं रखनी थी पूरी, अपने काम के अराउंड। मतलब मैं, क्योंकि ये ना काम ऐसा है कि लोगों को लगता है कि हमारी ये अपनी लाइफ भी यही है पूरी, मतलब पर्सनल लाइफ भी काम की जैसे लगती है कि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप वही फोटोज क्लिक कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। तो मेरे को कभी ये नहीं करना था, मैं इसको एकदम प्रॉपर अपने काम की तरह ही रखती हूँ कि बस एक पॉइंट के बाद फिर मैं फोन रख देती हूँ कि अब हाँ मुझे अब मेरे को चिल करना है। तो वो चिल जो मैं करती हूँ वो फिर मेरे अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही होता है मेरा। ये मैं उन लोगों को ऐसे, जो आप बोल रहे हो कि किसी इन्फ्लुएंसर वगैरह, मैं तो उन्हें एज कोलीग्स ही देखती हूँ कि मतलब ऐसे स्पीड डायल पे तो कोई नहीं है, मेरे दोस्त ही हैं। ठीक है। और एक सवाल जो मैंने काफ़ी जगह पढ़ा तो मैंने सोचा शामिल कर लिया जाए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कितना कमाती हैं सलोनी? मैं कितना कमाती हूँ वो तो नहीं बता पाऊंगी, बट जो एक ये ऐसा लोग मान के चलते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है तो वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे अपनी वीडियोस भी, मैंने अभी एक रील देखी थी तो मुझे भी बाद में पता चला कि कुछ लोग ऐसे यूएस डॉलर, एक तो डॉलर कई जगहों का है ना, कई कंट्रीज का, तो कुछ लोगों ने रील्स बना रखी हैं ऐसे, किसी यूट्यूबर ने ऐसे लोगों को दिखाने के लिए हम कि हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो वो कहीं और किसी और कंट्री का डॉलर वैल्यू सेट करके तब अपनी यूट्यूब की अर्निंग दिखाते, तो वो ज़्यादा हो जाती थी। फिर अगर आप उसे यूएस डॉलर में दिखाओ अपने चैनल पर, बहुत कम निकलती है। तो ये लोगों ने बहुत ऐसे मिथ्स फैला रखे हैं छोटे छोटे बच्चों को पागल बनाने के लिए कि देखो यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। बट पर्सनली मेरे केस में मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा मैं कमा पाती हूँ। इंस्टाग्राम से एज अ प्लेटफॉर्म मुझे कुछ नहीं मिलता है, बट ब्रांड्स जो मुझे ज़्यादा मिलते हैं वो इंस्टाग्राम से मिलते हैं, कोलैबोरेशन। हाँ जी, ठीक है। मतलब वो जवाब नहीं दिया सलोनी ने क्या? और नहीं, मेरी मम्मी डांट लगाएंगी अगर मैंने पैसे बता दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक सवाल ये कि वैसे तो आपने बोला कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रगल, मतलब उस तरह का टिपिकल स्ट्रगल जो हम कहते हैं वैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन कभी रिलेटिव्स हो या कोई भी आसपास कुछ बोलता था, कोई ऐसा है जिसको आप वापस जाके एक पंच मार के आना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत है, और ये स्ट्रगल वाला भी मैं, मतलब सब, मैं इसलिए इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ स्ट्रगल को। मतलब ऐसा तो था ही कि मेरे घर में, मतलब हमारा, यू मीन आई एम नॉट जस्ट दैट। हाँ, मतलब मैं अपने स्ट्रगल को खुद से बड़ा नहीं दिखाना चाहती कि हाँ भाई अब सब करते ही है ना मेहनत अपनी लाइफ के लिए। मेरे को अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड नहीं रखनी है फिर कि एक चीज़ आपने थोड़ी मेहनत करके कर ली और आप पूरी ज़िंदगी वही गाते रहे कि भाई हमने तो किताबों के आगे ट्राईपॉड लगाया, हमारे घर में तो लाइट नहीं थी। तो पहले तो, अब ऐसा सुनाने जाऊँ तो मेरे पास ना ट्राईपॉड था ना लाइट थी मेरे पास। तो मेरे पापा इतना, वो हमारे घर में नॉर्मल ट्यूबलाइट लगी हुई थी और पूरे घर की दीवारें अगर देखो, मैं कभी उस घर का होम टूर दिखाऊंगी लोगों को, तो सिर्फ वो एक वाइट पर्दा लगा हुआ था, वही इकलौता अच्छा था। उस पर भी मेरे पापा ने इधर उधर मच्छर मार दिए थे तो वो उनके निशान रहते थे, जो नज़्मा आपी का बैकग्राउंड था। तो एक सिर्फ इतना, सिर्फ मेरे फेस का इतना सा स्क्वायर फ्रेम बन पाता था जो साफ था, उसके आगे मैं बैठ जाती थी। और एकदम मम्मी का रूम था वो, और एकदम छत पे था तो गर्मी रहती थी। अब माइक था नहीं मेरे पास कि आवाज़ थोड़ा पंखा चला लो तो आवाज़ कट हो जाए उसकी, वो भी नहीं कर सकते। तो गर्मी बैठ के मैं बनाती थी एकदम पसीनों में भीग के। और कभी कभी अगर
मान लो कोई ऐसा ब्रांड वर्क आ गया, वो कह रहे हैं कि थोड़ी अच्छी लोकेशन पे करा, तो अच्छा सिर्फ मेरी छत थी, उधर एक दो पौधे लगे हुए थे तो ट्राइपॉड था नहीं, तो मम्मी मेरी बेचारी, अब उस टाइम पे मेरी मम्मी, अब तो उन्हें नॉर्मल लगता है ये सब चीज़ें करना मेरे घर वालों को, पहले तो उनके लिए नया था, तो मेरी मम्मी को मैं फ़ोन पकड़ाती थी कि आप फ़ोन पकड़ के बना दो, वो ऐसे कांप जाती थी क्या करूँ कैसे फ़ोन पकड़ूँ, तो वो सारी चीज़ें देखी है मैंने भी मतलब, बट मैं उसको उतना बड़ा मान के नहीं चलती, मतलब कर लिया अब उससे, अब निकल के आए भी तो कितनी बड़ी जगह हो ना, तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, आपने उससे कुछ सीखा ही है, तो मैं उसको ऐसे नहीं मान के चलती। लेकिन इसके पहले जो हम एक बात कर रहे थे, अगर थोड़ा सा रिवर्स पे हम जाएं कि औरतों को जो है वो गालियां अलग तरह की पड़ती हैं, हेट मिलती है, मेल इन्फ्लुएंसर्स को भी मिलती है, उसमें मतलब उसमें एकदम बराबरी है, इक्वालिटी है उस मामले में कि हेट मिलती है, गालियां पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन ख़ास तौर पर महिलाओं के ऊपर चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, अलग अलग तरह के जजमेंट आते हैं। ये अच्छा ट्रेंड है, मैंने ये बात बहुत, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जितने भी दर्शक, जितने भी गेस्ट्स ओ वुमनिया पर आए, और इसके पहले भी आपने यूपीएससी वाली हमारी सीरीज़ देखी है, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम अपना स्ट्रगल हाईलाइट नहीं करना चाहते, और हमारी तरफ से भी यही था कि बी यू, जो आप अपने बारे में बताना चाहते हो वो बताओ। आपने जैसे आपने कहा यू हैव योर ओन व्यू ऑफ सीइंग द स्ट्रगल, कि वो हर किसी की होगी, लेकिन आप जो अपने बारे में दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, जो हाईलाइट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर, और मैं वो एज अ होस्ट भी अपने गेस्ट के ऊपर छोड़ती हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट टू से, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। तो यहाँ पर आखिरी सवाल से रैप अप करेंगे, एक आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है दिल से वो मनिया। एक आपका खास आखिरी मैसेज स्पेशली औरतों के लिए, विमेन के लिए, विमेन कॉमेडियंस के लिए जो आना चाहती, मतलब उनको ये भी बता दी स्ट्रगल तो होगा, हाँ, अलग अलग तरह का होगा। मेरा तो यही है कि डरना नहीं है किसी से भी, लोग बहुत ऐसे लिख देते हैं कि स्पेशली कमेडियंस के लिए मैं तो बता रही हूँ कि भाई विमेन आर नॉट फनी, और आजकल तो वो अलग कॉमेंट एक बहुत चलता है कि दीदी कॉमेडी कर रही हो क्या, तो लिखने दो, आप टफन अप होके आना, अगर आ रहे हो तो सोच के आना, दिमाग बना के आना कि इतना हेट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे मत सोच लेना कि भाई किसी ने पहले ही दिन कुछ लिख दिया तो आप छोड़ दो, आप एकदम ऐसे सोचो कि हमें दूसरों से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे तो लोग बहुत आजकल तो सब यही ज्ञान देते हैं कि लोगों का तो काम है कहना क्या कहेंगे, तो उसे अमल में भी लेकर आओ, मत सुनो दूसरे क्या कह रहे हैं। मैंने भी नहीं सुना था जब मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे, ऑब्वियसली सबके लाइफ में इतने कुछ कुछ लोग तो आते ही हैं जो आपको नीचे लाना चाहेंगे, बट आप अपना एम सेट रखो, आप करो आपको जो करना है, और दिल से चाहे तो वो कायनात वाली बात होती है, यूनिवर्स वाली, वो अब वो तो मतलब बात की बात है, आप अपना छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एकदम ही बड़ा गोल सेट कर लोगे तो उसमें भी दिक्कत होती है, अगर कभी नहीं अचीव कर पाए तो बुरा लगता है, तो छोटे छोटे गोल से शुरू करो और उन्हें अचीव करते जाओ। सलोनी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया इस आखिरी मैसेज के साथ न्यूज़ तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओ वुमनिया पर आपको ओ वुमनिया के एपिसोड्स आगे भी मिलते रहेंगे, आप कॉमेंट्स में लिखकर अगर आप चाहते हैं कि कोई खास गेस्ट हमारे शो पर आए, कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ तक।